नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। केंद्र सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में किसान आंदोलन वाली जगहों यानी सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर तथा इनके सटे इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को रविवार 31 जनवरी रात तक अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। बता दें, गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। पहले भी सरकार इन जगहों पर इंटरनेट सेवा बंद कर चुकी है, लेकिन बाद में बहाल किया गया था। अब एक बार फिर से इन जगहों पर इंटरनेट सेवा को बंद रखने का फैसला लिया गया है। बता दें, सुरक्षा कारणों से इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड के उत्तरी तथा मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्य दर्ज का कोहरा छाया रहेगा। इससे पहले राज्य की राजधानी समेत अन्य हिस्सों में 2-3 दिनों तक हल्के दर्ज के बारिश हुए। बता दें, इसका असर न्यूनतम तापमान के साथ उच्चतम तापमान पर भी देखने को मिला। डाल्टनगंज के उत्तम तापमान में पिछले 24 घंटा में अचानक गिरावट दर्ज की गई। वहीं शुक्रवार को डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य तापमान से 8 डिग्री सेल्सियस तक कम है। टाना भक्तों को हर वर्ष वस्त्र के लिए मिलेंगे 2000 रुपए। झारखंड सरकार जिस तरह सरकारी कर्मियों को वर्दी भत्ता देती है, ठीक उसी तरह टाना भगत समुदाय के लोगों को सरकार वर्ष में एक बार वस्त्र के लिए 2000 रुपए देगी। यह नवनिर्मित भवन टाना भगत समुदाय को समर्पित करते हुए मुझे खुशी हो रही है। जिस अनुशासन से टाना भगत रहते हैं, ठीक उसी प्रकार इस भवन को भी रखना है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को रांची के बनहोरा में बने टाना भगत अतिथि गृह के उद्घाटन समारोह में कही। होम लोन में सब्सिडी स्कीम को आसान बनाए सरकार। साल 2021 का आम बजट आने वाला है। बता दें, इस बजट को लेकर मध्यम वर्ग की उम्मीदें काफी बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि सरकार होम लोन को आसान बनाने की दिशा में कदम उठाए ताकि अपना घर चाहने वालों को आसानी से हो सके। जिन लोगों ने अपना घर खरीद लिया है, उन्हें भी कुछ राहत मिले, क्योंकि कोरोना काल में लोगों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार होम लोन के साथ क्रेडिट लिंकेड सब्सिडी स्कीम चला रही है, लेकिन इस स्कीम का फायदा आम लोगों को कम मिल रहा है। कांग्रेस विधायक दीपिका ने रामेश्वर उरांव के खिलाफ मोर्चा खोला। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के खिलाफ कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। बता दें, विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर आपत्ति जताते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर विरोध जताया है। रांची में बिहारियों के कब्जे से संबंधित प्रदेश अध्यक्ष के बयान का विरोध करते हुए विधायक दीपिका पांडे सिंह ने ट्विटर पर लिखा है कि ये किसी एक व्यक्ति विशेष की सोच हो सकती है, कांग्रेस की नहीं। नौकरी के वादे पूरा करने में जुटी सरकार। यदि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही झारखंड के युवाओं के लिए नौकरी की बहाली आने वाली है। बता दें, राज्य सरकार इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। कोविड के चलते पिछले एक वर्ष में इस दिशा में बेशक बहुत कुछ नहीं हो सका है, लेकिन अब जिस तेजी से सरकार निर्णय ले रही है, उससे अगले कुछ महीनों में कई हजार भर्तियों के रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। बता दें, नई सरकार के गठबंधन दलों का सबसे बड़ा चुनावी वादा भी यही था। इसके साथ ही पारा शिक्षकों, अनुबंध के आधार पर विभिन्न विभागों में नौकरी कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को भी नियमित करने के रास्ते खोले जा रहे हैं। आज 60 लाख बच्चों को दी जाएगी पल्स पोलियो की खुराक। पूरे प्रदेश में 31 जनवरी को पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। बता दें, इस दिन सभी बूथों पर बच्चों को पोलियो से प्रतिरक्षण को लेकर खुराक दी जाएगी। इसके अगले 2 दिन 1 तथा 2 फरवरी को स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों का यह खुराक पिलाएंगे। पहले यह अभियान 17 जनवरी से प्रस्तावित था, लेकिन 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण शुरू होने के कारण इसकी तिथि बढ़ा दी गई थी। बता दें, स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य भर में 0 से 5 वर्ष तक के 60,83,574 बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। लातेहार और लोहरदगा में एनआईए की छापेमारी। लातेहार के चंदवा निवासी एक ठेकेदार की ओर से नक्सलियों को लाखों की लेवी दिए जाने की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने शनिवार को लातेहार और लोहरदगा में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एनआईए टीम ने चंदवा के हरैया चौक स्थित संतोष सिंह के घर और लोहरदगा में विपिन सहदेव के घर पर छानबीन की। झारखंड में 49 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है, जो रांची से 31, बोकारो से 2, चतरा से 1, धनबाद से 5, पूर्वी सिंहभूम से 3, गोड्डा से 3, खूंटी से 1, लातेहार से 1, पश्चिमी सिंहभूम से 1 और साहिबगंज से 1 मरीज मिले हैं। झारखंड में कुल मौत की संख्या 1071 है, वहीं एक्टिव केस की संख्या 576 है।
भारत में 13,064 नए संक्रमित मिले हैं। भारत में कुल मौत की संख्या 154,312 है। वहीं भारत में एक्टिव केस की संख्या 166,176 है। आदिवासी संगठनों का रेल रोड चक्का जाम आज। रेल रोड चक्का जाम को लेकर पूर्व संध्या पर मशाल जुलूस निकाला गया। बता दें सरना कोर्ट की मांग को लेकर रविवार को चक्का जाम किया जाएगा। मशाल जुलूस का आयोजन परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी सेगेल अभियान और केंद्रीय सरना समिति ने किया। समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि वर्षों से आदिवासी अपने संस्कृति परंपरा को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हर हाल में आदिवासी 2021 में जनगणना में सरना धर्म कोड चाहते हैं।